Assalamualaikum students, आज का टॉपिक है continuous and discontinuous variations. ये टॉपिक इस लिहाज से भी इम्पॉर्टेंट है कि 2020 के एमडीकेट में के पेपर में ये सवाल इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आए थे. तो ये टॉपिक एमडीकेट के हवाले से भी इम्पॉर्टेंट है. इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि वेरिएशंस क्या होती हैं. बच्चों देखो कि एक ही स्पीशीज से ताल्लुक रखने वाले डिफरेंट अफराद में एक जैसी खसूसियात का मुख्तलिफ अंदाज में इजहार वेरिएशंस कहलाता है. अब वेरिएशंस दो तरह की होती हैं, एक कंटिन्यूस वेरिएशन होती है और एक डिसकंटिन्यूस वेरिएशन होती है. तो आओ इसको देख लेते हैं कि ये दोनों में क्या डिफरेंस है, कंटिन्यूस वेरिएशन क्या है और डिसकंटिन्यूस वेरिएशन क्या होती है. यहाँ पर देखो कि डिसकंटिन्यूस वेरिएशंस डील विथ फ्यू क्लियर कट फिनोटाइप्स विच कैन नॉट बी मेजर्ड. और यहाँ देखो डील विथ अ स्पेक्ट्रम ऑफ मेजरेबल फिनोटाइप्स रेंजिंग फ्रॉम वन एक्सट्रीम टू अनदर. इसको इस लिहाज से समझ लो बच्चों कि बस इसको ये ध्यान में रखो कि एक कोई भी एक ऐसी खसूसियत जिसमें कोई दरमियानी कंडीशन पाई जाए वो कहलाती है कंटिन्यूस वेरिएशन. यानी कोई भी एक ऐसी खसूसियत, कोई ऐसा ट्रेड जिसमें कोई इंटरमीडिएट कंडीशन पाई जाए, कोई दरमियानी कंडीशन पाई जाए, वो जो ट्रेड्स होते हैं वो कहलाते हैं वो ऐसे ट्रेड्स जिनमें इंटरमीडिएट कंडीशन या कोई दरमियानी कंडीशन पाई जाए वो कहलाते हैं कंटिन्यूस वेरिएशंस. और ऐसी खसूसियात या ऐसे ट्रेड्स जिनमें कोई इंटरमीडिएट कंडीशन नहीं पाई जाती वो कहलाते हैं डिसकंटिन्यूस वेरिएशन, ऐसे ट्रेड्स या ऐसी खसूसियात. अब ये क्या होता है कि भाई इंटरमीडिएट जो कंडीशन होती है वो क्या होती है और नहीं होती है तो क्या होती है. तो देखो बच्चों के जैसे कि हम ले लेते हैं हाइट को. हाइट में कोई बहुत टॉल है, कोई शॉर्ट है और कोई दरमियाना यानी मीडियम है. तो एक दरमियानी एक इंटरमीडिएट कंडीशन पाई जा रही है, यानी टॉल भी है, शॉर्ट भी है और मीडियम भी है. तो जो इंटरमीडिएट कंडीशन है, दरमियानी कंडीशन है, ऐसी जो वेरिएशंस होती हैं वो कंटिन्यूस वेरिएशन होती हैं. अगर हम ले लेते हैं कलर को, आप स्किन के कलर को ले लें. कुछ का कलर बहुत फेयर होता है जो इस इलाके में रहते हैं, ऐसे इलाकों में ऐसी जगहों पर रहते हैं जहाँ मौसम बहुत ठंडा होता है, उस इन्वायरमेंट जो है वो बहुत ठंडा होता है तो उनका कलर फेयर होता है. कुछ ऐसे इलाके में रहते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी तपिश धूप होती है, उनका कम्प्लेक्शन डार्क होता है. और कुछ मीडियम होते हैं कलर में. तो बहुत सारी वेरिएशंस पाई जाती हैं कलर में. तो ये भी एक ट्रेड है और इसमें एक दरमियानी कंडीशन, एक इंटरमीडिएट कंडीशन पाई जा रही है तो इसे क्या कहेंगे, कंटिन्यूस वेरिएशन कहा जाएगा. इसी तरह आप वेट को ले लें कि कोई किसी का वेट बहुत ज़्यादा होता है, किसी का वेट बहुत कम होता है, किसी का नॉर्मल वेट होता है तो इसमें भी एक दरमियानी कंडीशन, एक इंटरमीडिएट कंडीशन पाई जा रही है. तो ऐसी वेरिएशंस क्या कहलाएंगी, कंटिन्यूस वेरिएशन कहलाएंगी. अगर हम इंटेलिजेंस को ले लेते हैं, जहानत को ले लेते हैं, कुछ लोग बहुत जहीन होते हैं, कुछ बिल्कुल भी जहीन नहीं होते और कुछ नॉर्मल होते हैं. तो इसमें भी एक दरमियानी जो है वो कंडीशन, एक इंटरमीडिएट कंडीशन पाई जा रही है. तो ऐसी तमाम वेरिएशन जो पाई जाएंगी वो क्या होंगी, कंटिन्यूस वेरिएशंस होंगी. अब डिसकंटिन्यूस वेरिएशन क्या होता है कि ऐसी वेरिएशंस यानी ऐसी फिनोटाइप्स है जो कुड नॉट बी मेजर, यानी कि जो डील विद अ फ्यू क्लियर कट फिनोटाइप्स, यानी क्लियर आपको बता रहा है कि कोई जो कोई ट्रेड है या नहीं है. दरमियानी कोई सूरत हाल नहीं है, ये दरमियानी कोई कंडीशन नहीं है, इंटरमीडिएट कंडीशन नहीं पाई जाती, या तो है या फिर नहीं है. जैसा कि आप ही की बुक में एक जो है एग्जांपल दी हुई है, रोलिंग ऑफ टंग, जबान को गोल करना. तो कोई जबान को अपना रोल कर सकता है अपनी, कुछ कोई नहीं कर सकता. कोई बच्चा क्लास में कर रहा था और कोई बच्चा बिल्कुल नहीं कर रहा था.
तो ये बिल्कुल क्लियर कट सिचुएशन है, या तो वो कर सकता है या वो नहीं कर सकता, दरमियानी कोई जो है वो कंडीशन, इंटरमीडिएट कंडीशन नहीं है। तो ऐसी वेरिएशंस क्या कहलाती हैं? डिसकंटिन्यूअस वेरिएशंस कहलाती हैं। जैसे ब्लड ग्रुप ले लें, ब्लड ग्रुप में अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो ए है, बी है तो बी है, बी नहीं है तो नहीं है, ए नहीं है तो नहीं है। या हम ये कहेंगे कि ये जो कोई भी शख्स है उसका ब्लड ग्रुप ए के करीब है, बी से मिलता जुलता है, बी के करीब है, ए भी है और बी के करीब भी है, ऐसा तो नहीं होता ना। या तो उसका ब्लड ग्रुप बी है या नहीं है, ब्लड ग्रुप ए है या नहीं है, यानी क्लियर कट बात की जाती है। दरमियानी या इंटरमीडिएट कोई कंडीशन नहीं होती। तो ऐसी जो खसूसियात होती हैं वो कहलाती हैं, ट्रेट्स कहलाते हैं डिसकंटिन्यूअस वेरिएशंस। जो डिसकंटिन्यूअस वेरिएशंस कंट्रोल बाय अलील ऑफ अ सिंगल जीन पेयर, यानी इस ट्रेट्स को जो डिसकंटिन्यूअस ट्रेट्स हैं उनको कौन कंट्रोल करता है? अलील कंट्रोल करते हैं, अलील ऑफ सिंगल जीन पेयर। अब यहां पर देखो, कंट्रोल बाय मैनी जीन्स, यानी जो कंटिन्यूअस वेरिएशंस होती हैं उसको कई जीन कंट्रोल करते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए, नॉट मॉडिफाइड बाय एनवायरमेंटल चेंजेस, इस कंडीशन में, इस ट्रेट्स में जो डिसकंटिन्यूअस वेरिएशंस हैं उसमें एनवायरमेंट का कोई चेंज नहीं आता। अगर कोई ब्लड ग्रुप है जिसका ए, अगर वो किसी एक इलाके में रहता है और वो कहीं और चला जाए तो वहाँ के एनवायरनमेंट के लिहाज से क्या उसका ब्लड ग्रुप चेंज हो जाएगा? ऐसा नहीं होगा ना। जो उसका ब्लड ग्रुप है तो वो है, एनवायरनमेंट का उस पर कोई असर नहीं होगा। मैं यहाँ पर जो है इस इलाके में हूँ, मैं अपनी ज़बान को रोल कर सकती हूँ, लेकिन मैं कहीं और चली जाती हूँ, किसी और कंट्री में जाती हूँ, तो मैं अपनी ज़बान को रोल नहीं कर पाऊँगी, ऐसा तो नहीं होगा ना। अगर मैं यहाँ मैं कर सकती हूँ तो मैं कहीं भी जाऊँ तो मैं कहीं भी अपनी ज़बान को रोल कर सकती हूँ। मेरा ब्लड ग्रुप अगर ओ पॉजिटिव है तो मैं कहीं और भी जाऊँ, कहीं भी चली जाऊँ, किसी भी माहौल में, किसी भी इन्वायरमेंट में, तो मेरा ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव ही रहेगा, इसमें कोई इन्वायरमेंट का चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर हम उसके यहाँ पर देखते हैं, कॉन्टिन्यूस वेरिएशन में देखते हैं, तो मॉडिफाइड बाय इन्वायरमेंटल कंडीशन, यहाँ पे इन्वायरमेंटल कंडीशन जो है वो इस पर असर करती हैं। जैसे कि कलर में देख लें, कलर में क्या होता है कि अगर आप किसी, आपका कलर फेयर है, कि कोई लोग हैं जिनका कलर फेयर है, वो किसी ऐसे इलाके में चले जाएं जहाँ बहुत धूप है, बहुत गर्मी है, बहुत तपिश है, तो उनका कलर में फ़र्क पड़ेगा। आप भी अगर धूप में ज़्यादा निकलेंगे, ज़्यादा काम धूप में कर लेंगे, तो कलर में फ़र्क आ जाता है। तो इन्वायरमेंट जो है कॉन्टिन्यूस वेरिएशन पर असर करता है, इफेक्ट करता है। अब यहाँ पर देखिए, डिसकॉन्टिन्यूस वेरिएशन में को मल्टीपल अलील ट्रेट्स कहलाते हैं, ये यानी जो वेरिएशंस को अलील कंट्रोल करते हैं वो कहलाते हैं मल्टीपल अलील ट्रेट्स कहा जाता है, जिनको, जिन वेरिएशंस को अलील्स कंट्रोल करते हैं। और यहाँ पर देखिए कि जिस वेरिएशंस को जीन कंट्रोल करते हैं, ऐसी वेरिएशन को पॉलीजेनिक ट्रेट्स कहा जाता है। ऐसे ट्रेट्स को जिनको कई जीन कंट्रोल करते हैं, उन ट्रेट्स को पॉलीजेनिक ट्रेट्स कहा जाता है। और इसी तरह जिन वेरिएशंस को अलील कंट्रोल करते हैं उनको मल्टीपल अलील ट्रेट कहा जाता है, ठीक है। अब एग्जांपल देख लें इसकी, रोलिंग ऑफ टंग, जैसे मैंने आपको बताया ब्लड ग्रुप, ये एग्जांपल है। यहाँ पे एग्जांपल देखिए, हाइट है, वेट है, कलर है, इंटेलिजेंस, ठीक है, जहानत है। तो ये टॉपिक था वेरिएशन, डिसकंटिन्यूअस और कंटिन्यूअस वेरिएशंस। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।